एक बात और बता दूं, ठीक है पहले टॉस हो जान दो। तेलुगु थालास हेड्स का कॉल देते हुए एंड तेलुगु ने जीत लिया है भाई टॉस। खिलाड़ियों के लिए बहुत खराब न्यूज, बंगाली रक्षकास के लिए गुड न्यूज है भाई, क्योंकि अगर मराठी यहाँ पे हार गए उनसे ऊपर कोई नहीं जा पाएगा। और जर भाई हाँ, मेरी तबीयत भाई डाउन हुई थी कल, मैं हाँ फ्रस्ट्रेट था थोड़ा, बट ठीक है अभी ऑल ओके, अभी के लिए ऑल ओके। लोग जो कह रहे हो वो तो बहुत आसान है मेरे लिए करना, और अभी जिस तरह का शेड्यूल है, सिक्स यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे ओवर में स्पिनर्स के सामने अटैक करते हुए, जनरली उल्टा होता है हर मैच में, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, मुंह पे ही आता है पंखा तो थोड़ा अजीब हो जाता है। दिस वन इज ऑल्सो वर्क फाइन। बाउंड्री नंबर दो, दूसरा बड़ा हिट। लाइव स्ट्रीम करूंगा एंड लाइव स्ट्रीम रिमूव कर दूंगा, जिनको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक और शॉक का गरी करवे, गद्दारी करवे, अच्छा एक और चार इस बार क्विंटन डीकॉक। भाई देखो जब भी क्विंटन डीकॉक की सिंगल आना चाहिए गैप में चार, भाई बॉलर के नाम नहीं है बैटिंग, बैट्समैन की बैटिंग टीम के नाम रहेगा ये ओवर। क्विंटन डीकॉक ने लगा दिए हैं दो चौके एक डबल, उसको ज़्यादा सपोर्ट है, ये फुल सरप्राइज हूँ मैं। और फुल लेंथ गेंद यॉर्कर रखना चाह रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली सीधा बैटों पे आ गई है, बैट पे आ गई है एंड एडवांस किया है और रिस्की डेफिनेटली है। धोनी ने मिस कर दिया, कैच आउट के लिए गए हैं भाई, ऐसे ना सही तो वैसे वाली विकेट आई है। इंडिया एम्पायर की उंगली उठ गई है, दो मैचेस हार जाएंगी अगर हारती है तो। और ये एक और विकेट, अक्षर पटेल। सुमित का कमेंट मैं पढ़ने ही जा रहा था, सुमित ने वाउ डाला है बापू लिख के एंड बापू ने दो गेंदों में दो विकेट ले लिया अभी तक है विदाउट सेल, जो प्राइस है 3000। एक और विकेट, ये क्या हो रहा है? नहीं ये मुझे उसकी बुमराह की याद आ गई एंड पहली अगर किसी ने दबा दी पिच तो क्या ये इस तरह की पिच है LBW, अगर अंदर होती तो आउट थे भाई, LB हो रहे हैं अभी नहीं, अगर साइड बदल के करते हैं तो जो सामने वाले TT की टी निकाल सकते हैं, मतलब टाई टाई। और विकेट भाई, ये रिकॉर्ड बनने वाला है इतिहास की, ये सबसे छोटी गेम बनने की तरफ जा रही है। लास्ट में तो मे भी गेम चेंज हो जाता, सचिन को ऊपर भेज देते, हाँ बैटिंग ऑर्डर में चेंज कर देते, सचिन को पहले आना चाहिए था। इट्स बीच बाउंड्री लग गई है, LBW चाहिए, LBW चेहरन पता नहीं क्या कमेंट आ रहा है। इनसाइड एज इज बोल्ड, यहाँ पे टिम डेविड चेहरा देख रहे हैं, जोश हेजलवुड का आई थिंक उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बाउंसर गेंद आएगी, किसी ने ट्राई नहीं की बाउंसर, दिस इज द फर्स्ट बाउंसर जो बैट पे डाली है किसी ने, बॉलर ने, ऊपर से स्पिनर्स कर रहे थे गेंदबाजी, अच्छा था भाई वो वसूल था। इनसाइड एजेस बॉडी सामने आई है, बच गए, नॉन स्ट्राइकर पे आउट है एंड शॉकिंगली इरफान पठान आउट हो गए। इरफान पठान ने डाइव ही नहीं मारी, और मैं बता दूं मैं होता तो मैं भी डाइव नहीं मारता, क्योंकि मुझे मालूम है कि डायरेक्ट मतलब आउट तो नहीं होगा एक रन पे। भाई ये अभी तक का सबसे शॉकिंग रन आउट होने वाला है, क्लोज रन ले रहे हैं, डाइव नहीं मारा क्योंकि उनको पता था ये आउट होगा नहीं तो मैं डाइव क्यों मारूं। बाउंसर गेंद, ये शॉट अच्छा है, जब तक रन आ रहे हैं तब तक अच्छा है, जब नहीं आएंगे तब दिक्कतें खड़ा करेगी। डिवाइड बैकफुट पंच लगाते हुए, गैप निकालते हुए एंड बाउंड्री बता रहे हैं कि आउटफील्ड कितनी अच्छी है भाई, अगर आप प्रॉपर तरीके से खेलते हो। लो सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, बट ये कट करने की आदत नहीं चुकी है यहां पर खिलाड़ी की, मैं पहले कंप्लेन कर रहा था कट करो, ठीक है अंदर लाए, दूसरा फेंका था, फील्डिंग खराब, चार रन एक्स्ट्रा ऐड करके रखना भाई, चार रन एक्स्ट्रा दिए थालाज ने, खार को तो खेलना पड़ेगा अच्छा, बट हाँ बहुत मुश्किल है। वाह भाई वाह, और इस बार जे स्मिथ ने कैरी किया है, बच गया लेकिन डीबी साउंड। व्हाट अ शॉट, बहुत रेयर, बहुत सरप्राइजिंग, 86 करा दिया स्कोर भाई। हाँ खेल लो यार, खेल लो आज, खेल लो खिलाड़ू भाई। फिर एक शॉट लगाया है जिशान मकसूद ने, शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, 20 ओवर में 20 गेंदों में देंगे 80 के बाद लग रहा है, पुल शॉट, कमाल की बैटिंग। अब भाई आपके सामने वाला प्लेयर अच्छा खेल रहा है, ये एक्चुअली में तेलुगु के लिए अच्छी बात है कि रन बन रहे हैं, ये रन बनना, रनों की गति बढ़ना एक्चुअली में खिलाड़ियों के लिए चिंता की बात है। क्या ये पिच बनाने के स्वर्णिम मौके होंगे? और ये क्लीन बोल्ड सफाया युवराज सिंह ने किया है, युवराज बोल रहे हैं मैंने पिछले 3 मैचों में 5 रन देके 3 विकेट निकाली, तूने आते ही 6 मारा, अब तुझे निकालता हूं मैं।
एडवांस करने गए मकसूद, बट आई थिंक गेंद की लाइन में कभी थे ही नहीं वो, सीम कंडीशन को पढ़ ही नहीं पाए ट्विन ने एंड जिशान ने, मकसूद ने. अब बढ़िया स्क्वायर कट अलजरी जोसेफ. ज़रूरत है इस तरह के एक आध जोशीले परफॉर्मेंस की. पीछे देखो कैसे सब चौका दिखा रहे हैं और फील्डिंग ऐसी सजाई है कि सिर्फ कीपर और बॉलर दिख रहा है. और एक और चौका, बट ये कहीं ना कहीं भाई बहुत चिंता वाली बात है. मतलब है कि भाई 97 रन रिकॉर्ड है सबसे ख़राब बंगाली रक्षकास का. अब मुझे नहीं लग रहा कोई टीम अब 97 के अंदर आउट होगी. यहाँ पे 4 रन, सबको पता लग गया है भाई इस फॉर्मेट में फ्यूज है. मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं. मैं 107 लेके बैठा था, क्या ये हाथों में होगा, बड़ा मैदान है ये, बट फिर भी 6 के पार. गेंदों में ऑल आउट कर दें, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम. कवर की तरफ के ऊपर से 6 रन, यही ओवर एक्टिंग कर देते हैं भाई. ये मारा चौका, जोसेफ का जादू बरकरार, जिम्मी नीशम की टाए टाए फिस. अभी मार रहा है फिर वो रन करेगा. सीधा ऑफ स्टंप उड़ा के गेंद बाउंड्री के पार. बैट्समैन भी खुश होगा मेंटली कि चलो बाउंड्री के पार तो भेज दिए, लेकिन साथ में आपको भी बाउंड्री के पार जाना होगा. अश्विन नाखुश हैं 16 थोड़ा सा, बट यार इनके ये 25 रन ने एक रिस्पेक्टेड टोटल खड़ा कर दिया. हाँ ये बंदा तो भाई कमाल है. और ऊपर से फाइन लग के ऊपर से साफ किया है रास्ता, दूरी तय की है बाउंड्री की. खलील अहमद चौका मारना पड़ेगा आपको, इनसाइड एज डॉट रही है. 148 का चेज है, बट पिच पूरी तरह से बैटिंग हो गई, ऑल आउट तक नहीं कर पाई उनकी 30 गेंदों में. तेलुगु जैसी टीम जो 98 पे ऑल आउट करने में माहिर है, उसके साथ वाट लगा दी मेरी पंजाब के टीम की. पहला शॉट 6 रन, पहली 20 गेंदें इस मैच का विजेता डिसाइड करने वाली है. पहली बीस, फिर एक दमदार शॉट. ट्रेविस हेड लव्स प्लेइंग इन दिस सिनेरियो, रन चेज बहुत पसंद है. और मैं विकेट मुझे लगाएगी बट नहीं आया भाई, ठीक है वाइट बॉल काले हो जाएंगे, सॉरी भाई. खत्म गेम. ये जिस तरह से बैटिंग कर रही है, इवन जॉनी बेस्टो जैसा प्लेयर बड़े शॉट मार रहा है, तो भाई इससे ज्यादा शॉकिंग क्या होगा. 7 रन 5 गेंदों में, इजी टारगेट. पहली 20 गेंदों में मैंने कहा था या तो बैटिंग टीम मार लेगी या तो बॉलिंग टीम विकेट ले लेगी. अश्विन जैसा गेंदबाज हेड से अच्छा खेल रहा है यहाँ पे. ओ कैच, हाँ भाई आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता नहीं क्यों बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता है यार मुझे ये. मैंने जॉनी बेस्टो को मतलब हाँ उस दिन मारेंगे पता नहीं क्यों. अबे पहली गेंद 4 मार लिया, लो कर लो भाई. अच्छे शॉट्स लगातार, पैरों पे गेंदबाजी. भाई इरफान पठान आपसे क्या उम्मीद की थी मैंने. मैं शून्य यहां से कैसे हारेगी यार, मैं तो ओ बोल्ड कैसे हारेगी. दिखा कैसे हारेगी. 107 रन. अश्विन भैया लगता है अलग तरीके से ग्रिप पकड़ी थी गेंद की, अच्छा खासा फ्लाइट भी कराया है यहाँ पे. 12 पे आउट हुए हैं, फिर कोई बात नहीं. 6 ट्रेविस हेड अभी भी हैं, एंड हेड के रहते हुए भैया थालाज नहीं हारने वाली. अभी भी 28 का अंतर है भाई, तो बहुत दूर. ओ 6 इजी 6, 2 सिक्सेस भाई जिशान मकसूद को पड़े हैं. एंड अभी एक गेंद बाकी है, क्या वो विकेट निकाल सके. इनकी कहानी भी रियल लाइफ से मिलती जुलती है. स्क्वायर कट गैप चौका, एक चौका मार दो ओवर में. फ्लिक शॉट हाथों में हो सकता है, थोड़ी सी हाइट कम है. ओ कैच ड्रॉप कर रहा है ये, एंड हैंडबॉल खेल रहे हैं. फुटबॉल खेलते तो भी ठीक था, हैंडबॉल खेल रहे हैं भाई. उल्टा होता है भाई, लेकिन मैं रोकता नहीं हूँ भाई किसी को. ओ 6, कितना बड़ा मिस्टेक पिछली गेंद पे किए हो आप. एक होंगे ये पक्का है. एज, और यस युवराज इज आउट, मतलब एक और विकेट गिर रहा है भाई. थोड़ी सी मुश्किल लगेगी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर थालाज के लिए, ये तो आउट है. मैं तो भूल ही गया, एंट्री नहीं दिखाई सही ढंग से. और पहला ही शॉट 6 रन भाई. 130 डीबी, 130 डेसिबल का आवाज इस वक्त आप सुन सकते हो. माही मार रहा है, माहम नहीं होगा ऊंचा. 6 रन भाई, कैच ड्रॉप के लिए माथा फोड़ लो अपना, आपने मैच हरवा दिया. मराठी खिलाड़ू कैच का कॉल, आवाज दिए एंड 6 जा रहा है. ठीक है, लुल शॉट तो कंफर्म है, कोई अच्छा पुल नहीं मारेगा तो लुल शॉट. कैरी होना चाहिए धोनी की पारी पे, पूर्ण विराम. ट्रेविस हेड का नारा यहाँ पे, उनके घर पे पत्थर मारे जा रहे हैं. अरे ट्रेविस हेड क्या, टिम डेविड के काम नहीं चलेगा. बाप रे बाप, जैसे भैया कुछ अच्छा होता है अगली गेंद पे सब वसूल हो जाता है. 6 विकेट 50 रन, 8 रन की जोड़ी चाहिए.
और ये इतनी आसानी से मार रहे हैं जैसे विकेट गिरने वाला ही नहीं है। 30 रन के अंदर, बाप रे, खत्म भाई। और कैच ड्रॉप करो भाई, कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर का अगर आप छोड़ते हो, इजी मैच ड्रॉप है भाई आपका। और ये पहली बार हो रहा है कि किसी बंदे का कैच ड्रॉप हुआ और उसने 30 से ऊपर रन मार लिया। तो खत्म कर रहा है गेम, खत्म कर रहे हैं भाई ये। वन ऑफ द मोमेंटम चेंज कर दिया है। वाह क्या खेला है थालाज भाई, अब पता लग रहा है। कुछ लोगों ने कहा था कि अगर आप स्ट्रीम देखते होते तो आपको पता होता क्यों दिन में हो रही है एंड क्या चल रहा है चैनल, और आप सजेस्ट ही नहीं करते रात का। सिक्स, दूसरा सिक्स, जिमी नीशम इनसाइड एजेस काम करके गए। 5 विकेट गिराओ, 5 तो करेगी तो हार जाएगी, 4 विकेट गिरा के दिखाओ। शुभम कह रहे हैं शुभम और आकाश सबसे पहले आउट होंगे टूर्नामेंट से। भाई आकाश कभी नहीं बोलेंगे वो आउट होंगे पहले टूर्नामेंट में से, वो शुभम भले बोल देंगे। आप शुभम ऐड कर रहे हो वो शॉकिंग है, कमेंट नहीं करते। अगर आप देखते होते तो पता होता आपका शेड्यूल। एक और झटका और 2 बॉल फिनिश है गेम। मैंने अभी भी कहा 8 विकेट तक गिरा दो। हाथों में है, एक और विकेट है, रोमांच अभी बाकी है। एंड 7 थाला फॉर अ रीजन टारगेट बाकी है। अल्जीरी गैप में जान लगा दो, रोक लो, लेकिन ठीक है। अब 1 बॉल का फिनिश है ये मैच, 6 रन चाहिए, काफी बैलेंस है। क्या चल रहा है गेम में, 8th विकेट। क्या चल रहा है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। असली स्क्रिप्ट तो यहां लिखी जा रही है। 8th विकेट फॉल, फ्लाइट गेन करो, फ्लाइट गेन करो। अब स्पिनर नहीं है भाई, लेकिन अब लगा था पहली गेंद पे, पहली गेंद का ही डर है मुझे तो, मैंने बोला था पहली गेंद का ही डर है भाई। 4 रन के साथ जीतता हुआ मैच, -1 मतलब कि जीत चुकी है इस वक्त टीम तेलुगु थालास। लेट्स सी, ठीक है अभी हमारा अगला मैच है। मैंने तो मैच अल्जीरी जोसेफ बने, जो कि मैं मानता हूँ गलत है, मेरे हिसाब से अल्जीरी जोसेफ को नहीं देना चाहिए था। ट्रेविस हेड ज़्यादा डिजर्व करते हैं, इवन